और थोड़ी इमोशनल भी होगी मैं बातें करते हुए माँ के साथ, क्योंकि फिर ये होता है ना कि अपने दुखड़े इनके पास लगाएंगे तो फिर वो भी दुखी हो जाएंगे। होगी छुट्टी, खूब पढ़ाई करी, अच्छा चल बढ़िया, जाओ बाय। नंगे नंगे पाँव चले आ गया नी माँ एक तेरा पुजारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज है मंगलवार और आज है दूसरा नवरात्रा, तो मेरी तरफ से आप सभी को दूसरे नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी सुबह का टाइम है, मैं सो के उठी हूँ तो बहुत लेट उठी हूँ भाई, 6:30 हो चुके हैं और आप खिड़की से देख रहे होंगे कितनी रोशनी आ रही है ना अंदर को, तो नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि रात को लेट सोई थी। और अभी अपने हाथों को मल के ना आँखों में लगा लूँगी, तो सुबह सुबह से ना हाथ जो होते हैं उनको नमस्कार करना चाहिए अपने। और बच्चे अभी सोए हुए हैं और मुझे ना जमाई आ रही है, मतलब उबासी आ रही है, तो बस अभी से शुरू हो जाता है मेरा काम फटाफट से। मुझे अपना काम करना था क्योंकि नैना भी जानी थी स्कूल, तो उसको लेट ना हो जाए भाई कहीं। और यहाँ पे देखिए पतिदेव जो हैं ये नहा धो के और ताज़ा पानी बावड़ी से ला के यहाँ पे कढ़ाई लग गए थे बनाने के लिए माता रानी के लिए। तो नवरात्रों में होता ही है ये, कहीं भोग बनता है तो हलवा जो होता है ना वो बनता है। तो गैस पे लगाई हुई थी कढ़ाई बनाने के लिए और चूल्हे में जली हुई है आग, यहाँ पे मैंने लगाई है दाल पकने को। तो खाना खुना जल्दी से मुझे बनाना था क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था। एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए गाय हमारी बाहर, गाय भी ठीक है। और हिमाचल का मौसम आज लगी हुई है बहुत अच्छी धूप, तो कल भी बहुत अच्छी धूप लगी हुई थी, मतलब 26 सितंबर को, और आज है 27 सितंबर, आज भी बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। और अभी आई हूँ मैं यहाँ पे कमशेड में, देखिए गाय आधी अंदर आधी बाहर है। अभी सुबह का टाइम है, 10 बज चुके हैं, तो मुझे जाना है अभी मंदिर, और मैंने सोचा कि चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। उससे पहले आई थी मैं अभी यहाँ पर उबरे में, तो चलिए चलते हैं मंदिर को। और मैं सोच रही थी ना सार्थक को लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि पैदल जाना है ना, तो वहाँ पर फिर इसको उठा के ले जाना पड़ेगा, सार्थक उठा के ले जाना पड़ेगा क्योंकि वो ना चलता नहीं एक कदम भी नहीं, और काफ़ी दूर है, चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है। आ जाओ बेटा, आ जाओ दादी के पास, चले जाओ ना आप, दादी के पास चले जाओ, रोटी खाओ, ठीक है, मम्मा अभी आएगी। जी अभी आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे मंदिर में, ये देखिए ये है हमारे यहाँ पे गांव का मंदिर और बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे, बहुत ही प्यारी जगह है। ये देखिए यहाँ पे पीछे पेड़ है, तो पता नहीं क्या बोलते होंगे शायद, मुझे इसका नाम नहीं पता, और काफ़ी हाइट पे है। ये देखिए नीचे को सड़क जो है वो वहाँ पर दिख रही है। तो मैंने यहाँ पर पूजा कर ली है और थोड़ी बहुत बातें भी की माता रानी के साथ, और थोड़ी इमोशनल भी होगी मैं बातें करते हुए माँ के साथ। जितने भी दुखड़े होते हैं ना सारे हम अपने माता पिता के पास ही लगाते हैं, तो शादी के बाद अपने माँ बाप के पास तो दुखड़े लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि फिर ये होता है ना कि अपने दुखड़े इनके पास लगाएंगे तो फिर वो भी दुखी हो जाएंगे। तो फिर ये माँ जो है ये सभी की माँ है, इनके पास हम अपने सारे दुखड़े जो भी होता है दुख दर्द लगा सकते हैं। और ये इनका ये है कि इनके पास अगर हम अपनी बात बोलेंगे ना तो ये किसी और के पास भी नहीं बोलेंगे आगे, ये भी होता है माता रानी का। तो चलिए माता रानी का आशीर्वाद लिया मैंने, यहाँ पे धूप जलाया और कढ़ाई लेके आई थी मैं यहाँ पे, वो किया। अभी चलते हैं घर, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आसपास का व्यू दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से है, ये छोटा सा मंदिर है हमारे यहाँ पर, माता रानी का मूर्ति है अंदर, और यहाँ पे हमारे हनुमान भगवान जी हैं, बीच में हमारी मैया हैं, और यहाँ पे साइड में क्षेत्रपाल जी, ये देखिए यहाँ पे तो भैरव बाबा, सॉरी नाम नहीं बोला मैंने, और
ये कुछ इस तरह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो गया। अब तो पहले छोटा सा होता था लेकिन अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे ना दिवाली से दूसरे दिन जो है वो उस दिन प्रोग्राम होता है यहाँ पे ना, पड़ई वाले दिन का, पड़वा वाले दिन का। और ये आसपास का बहुत ही प्यारा सा व्यू। तो माता के दरबार में आके ना अपने सारे दुख दर्द जो होते हैं ना, हम माता के पास छोड़ देते हैं। और यहाँ पे शरू का पेड़ भी है, एक ये बहुत पुराने टाइम से है यहाँ पे शरू का पेड़। और इधर को घना जंगल है नीचे को चील का, और ये कुछ बांध भी है, इसमें झाड़ियाँ हैं मिक्स है। तो चलिए, मैंने आपको पूरा मंदिर दिखाया माता का, पक्षी सारी चीज़ें हैं ना, देखो सब आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं वापस। तो यहाँ पे वापसी में फिर से मैं माथा टेक रही हूँ, और धूप मैंने जलाया था ना तो उसका तिलक जो है वो मैंने यहाँ से लगा लिया, और माता से विदा ले रही हूँ। तो ऐसे मैं हर रोज़ तो मंदिर नहीं आती, लेकिन जैसे नवरात्रि होते हैं ना तो नवरात्रि में मंदिर ज़रूर आती हूँ। और अभी मैं यहाँ से चली हूँ वापस, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है। ये देखिए काफ़ी पौड़ियाँ लगती हैं यहाँ मंदिर को जाने के लिए, काफ़ी सारी। चलिए चलते हैं घर की ओर वापस। काफ़ी ना हल्का सा महसूस होता है माता के पास आके, और जितने भी होते हैं ना हमारे कुछ भी दुख दर्द तकलीफ सब कुछ अपनी माँ के पास हम यहाँ पे बता सकते हैं, लगा सकते हैं। ये बहुत ध्यान से हमारी बातें जो है वो सुनती है। जो है ना टाइलें लगाई हुई, लेकिन इस पर ना ये देखो हरी हरी पांग जमी हुई है। ये बहुत ज़्यादा फिसलन वाली होती है, इसके ऊपर फिसलते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत ही ध्यान से यहाँ पे चलना होता है। और घास भी हमारे आजकल देखिए पक के तैयार हो चुका है, मतलब घोड़ी में लगाने को ना काटने को तैयार हो चुका है। ये देखिए अब होगी कटाई, अगर बारिश नहीं होगी ना तो अब कटाई होगी घास की। ये चील का जंगल बहुत ही खतरनाक रास्ता हुआ हुआ, ये देखो ये तो ठीक है पौड़ियाँ। यहाँ पे लंबा स्टेप है ना, जैसे यहाँ पे ये देखो तिरछा तिरछा लंबा स्टेप है, इस पर ना फिसलने का रहता है डर ये वाला। अभी तो ठीक है, इससे नीचे पे तो ठीक है यहाँ पे अब। तो ये देखिए गाइस रास्ते में मिल गई मुझे चीड़ की पत्तियाँ, और इसको ना हमारे लिपाई के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको ले चलती हूँ। वैसे तो ये हरी है, सूखी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसी भी है काम आएगी बनाने को। तो अभी पहुंच चुकी हूँ मैं घर, और टाइम काफ़ी हो गया है, टाइम 11:02 हो चुके हैं। तो चलिए अभी देख लेती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ, बैठती हूँ। तो मंदिर से आके ना वैसे तो ज़ोरों से भूख लगी हुई थी, लेकिन मुझे अभी जोत भी जलानी थी। वैसे तो पापा जी जलाते हैं हमारे, लेकिन पापा जी जो है अभी थे नहीं यहाँ पे, वो कहीं गए हुए थे, तो फिर मैंने ही जला दी, माता के नाम की जोत जलाई है। और मैंने ना कल वो माता की जो खेतरी होती है ना, ज्वारे जौ जो होते हैं वो बीजने को डाले थे बोने को, तो उसको ना मैंने कलश को उसमें कुछ लगाया नहीं था, कुमकुम वगैरह ना, तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घोला, और इसमें ना मेरे पानी थोड़ा ज़्यादा चला गया था। और अभी मैं यहाँ पे ओम और स्वास्तिक का निशान जो है ना वो बनाऊँगी। तो स्वास्तिक का निशान जो होता है ना हम अक्सर वही बनाते हैं कि बीच से कट मारने वाला ना, लेकिन स्वास्तिक का निशान वैसा नहीं बनना चाहिए। स्वास्तिक का निशान अभी आप देखिए वीडियो में किस तरह से मैं बनाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो।
और नवरात्रि में माता का जयकारा, जय माता दी। और माता रानी सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। और ये देखिए स्वास्तिक का निशान ना इस तरह से हमें बनाना होता है, सबसे पहले ऊपर से 7 की तरह, और फिर ये देखिए उल्टा 5 नहीं बनाते हैं, जैसे हम उल्टा बनाना है मतलब वो आधा सा। और अभी दूसरी तरफ से ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से ऐसे, मतलब बीच से कट नहीं लगना चाहिए। तो स्वास्तिक का निशान इस तरह से बनना चाहिए, और बीच में जो इसमें बिंदु होते हैं डॉट, वो इसमें बनाए जाते हैं। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको सिखा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे ये पता चला ना, क्योंकि मैं भी पहले कट वाला ही बनाती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि उस तरह से नहीं बनाना चाहिए, इस तरह से बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी ये बताऊँ, क्योंकि आप लोग भी मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, और सभी को अच्छी बातें होती है ना जो वो बतानी चाहिए, मानना ना मानना सबका अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ ब्लॉग का एंड यहीं पर कर रही हूँ, मिलूँगी आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। जय माता दी, जय सिया राम, बाय।